आज मैं आपको शाही वाइट चिकन कौरमे की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी बना रहा होगा ना, तो बहुत अच्छी बनकर उसकी फर्स्ट टाइम में ही तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजी है, जल्दी बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको चिकन शाही वाइट कौरमे की रेसिपी बताऊँगी, जो कि बहुत ही ईजी है। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें आधा कप तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है, तो तेल के गरम होने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें कि 2 तेज़पत्ता है, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा है, 2 इलायची है, 1 दालचीनी टुकड़ा है और 1 जावित्री का फूल है। थोड़ा सा ये क्रैकल हो जाएगा, तो इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज पीस कर हमने रखी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज का हमें कलर नहीं चेंज करना है, तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं। हमारे चिकन में हम अपना मसाला मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही रखेंगे, प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन साफ करके धोकर रख लिया था, उसे मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले करीब 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाएंगे, और अगर मेजरिंग स्पून से देखें तो 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे, जो घर का खाने वाला चम्मच होता है उससे 3 चम्मच। अब यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली है, इसे क्रश करके ले लिया है। आपको जितना तीखा पसंद हो तो आप ये इस पॉइंट पे ही अपने हिसाब से तीखा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू का पाउडर लिया है, आप काजू का पेस्ट भी ले सकते हैं। मैंने 8 से 10 काजू का काजू लेकर उसके पाउडर बना लिया है। तो आप काजू और बादाम दोनों भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया है 1 चम्मच। तो यहाँ पर अगर आपको सफ़ेद मिर्चें नहीं मिलती हैं तो आप काली मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च भी लिया है और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वाइट मिर्च स्किप करें और काली मिर्चों की क्वांटिटी आप इसी हिसाब से ले सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च ली ना, उस हिसाब से आप ले सकते हो। और 1 चम्मच हम चाट मसाला ऐड कर देंगे इसमें। चाट मसाला डालने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टा दही नहीं लीजिएगा। फ्रेश दही मैंने इसमें ऐड कर दी। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया, खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। नमक डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, ऊपर नीचे करते हुए बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे पूरे चिकन में अच्छे से मसाला कोट हो जाए। तो अब हम इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 नींबू का रस पूरा ऐड करेंगे। 1 नींबू का रस ऐड करने के बाद अब हम इसे फिर से वापस से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं अपना हम प्याज देख लेते हैं, जो हमने इसको भुनने के लिए रखा था ना, उसे देख लेते हैं। आप इसे मैरिनेट करके पहले से भी रख सकते हैं, अगर आपको बाद में बनाना है या अगले दिन बनाना है तो आप फ्रिज में इसे इस तरह से मसाला लगा के रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, बिना कलर चेंज हुए। तो आप इसे बीच में एक आध बार चेक कर लीजिएगा जब आप मसाला लगाइएगा। हमारी प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, बिल्कुल इसी तरह का कलर रखना है, प्याज का कलर नहीं चेंज करना है। तो मसाला और चिकन मैंने इसमें सब ऐड कर दिया है। तो अब इसे हम ऊपर नीचे कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर करीब 15 मिनट तक के, जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, अच्छे से हमारा मसाला इसमें कोट हो चुका है। तो अब हम इसे कुछ देर तक का और भुनेंगे, जब तक के हमारा मसाला थोड़ा और ड्राई ना हो जाए, क्योंकि चिकन कौरमा थोड़ा ड्राई रहता है ना, तो थोड़ा सूखा ही रखेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं।
और अब हम इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप घर की मलाई भी ले सकते हो, जो दूध की मलाई रहती है ना, तो आप आधा कप फ्रेश क्रीम के जगह, मैंने फ्रेश क्रीम आधा कप ऐड की, आप फ्रेश मलाई ऐड कर सकते हो, जो दूध की मलाई रहती है ना वो ऐड कर सकते हो। 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों के बीच रख के और उसको रब करके अच्छे से इसमें ऐड करेंगे। देखिए चिकन कितना अच्छा हमारा दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर इसे ऐड करिएगा कसूरी मेथी। तब इसे थोड़ा सा चला देंगे और इसको डालने के बाद, अपना फ्रेश क्रीम डालने के बाद, अब हम इसे कुछ देर और पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट इसे हम और पका लेंगे। तो इसे हम ढककर करीब 5 मिनट और पका लेते हैं। तो देखिए हमारा वाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कोयले का भाप देंगे। अच्छा, ये भाप देना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप दीजिएगा, नहीं तो स्किप करिएगा। तो मैंने कोयला गरम कर लिया था, इस पर थोड़ा सा मस्का डाल दिया है मैंने, और इसे सिर्फ आधे मिनट के लिए, एक मिनट या आधे मिनट के लिए ही आप इसे ढक कर छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसे हटा दीजिएगा। तो यहाँ आधा मिनट हो गया है, तो अब मैं इसका कोयले का बर्तन हटा देती हूँ और इसको थोड़े से अदरक के जूलियन और बादाम की कतरन के साथ इसे गार्निश कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा चिकन वाइट कोरमा, शाही वाइट कोरमा बनकर तैयार है। तो इसमें मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं, आप यहाँ पर काजू भी डाल सकते हैं। हमारा शाही वाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार था, बहुत टेस्टी बना था, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप पहली बार भी बना रहे हो ना, तो आप आसानी से बना सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है प्लीज़ अपने कमेंट में हमें बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।